तो फ्रेंड्स आज फाइनली जो है पेंट का काम ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैंने अपने गार्डन में देखिए कुछ सेम सा ही कलर जो है करवाया है अपने गार्डन के लिए। ये देखिए थोड़ा हल्का सा लाइट जो है ग्रीन सा कलर है, ये पैरेट सा कलर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से अभी सेटिंग भी नहीं हुई है मेरे प्लांटों की। और यहाँ पर गुलदावरी आप देख सकते हैं, देखिए सभी कटिंग से रेडी की हैं मैंने। और देखिए कुछ कुछ जो है फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकोमा। और अभी भी मेरे जो हैं ये कनेर के प्लांट जो है काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है कर ही रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो है मैरीगोल्ड खुद ब खुद अपने आप सीड से जो है ग्रो हुए हैं। ये जाफरी, ये बिल्कुल एकदम जो है ड्वार्फ वैरायटी के थे, लेकिन इनका सीजन नहीं था तो ये खुद ब खुद ही ग्रो हैं, तो काफ़ी जो है बड़े बड़े जो है प्लांट हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ये प्लांट जो है मैंने लगाए नहीं है, खुद ब खुद ही जो है ये ग्रो हो गए हैं। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है हो रही है इन पे। और बर्ड्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी बर्ड्स जो है आई हुई हैं। आप कॉप्सकॉम भी देख सकते हैं खिलना शुरू हो गए हैं। और इनको भी मैं कभी भी जो है ग्रो नहीं करती हूँ, ये खुद ब खुद मेरे गार्डन में ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्लांट है कि इसको एक बार आप जो है ऐड करते हैं तो हमेशा ही आपके गार्डन में बना रहता है, क्योंकि इसके सीड जहाँ भी गिरते हैं वहीं पर ये ग्रो हो जाते हैं। तो इन्हें ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये फ्लावर बड़े होते हैं बहुत ही प्यारे जो है लगते हैं। ये वेलवेट देखिए बहुत सुंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए बर्ड्स बनी हुई हैं इस पर। और ये वाला हिबिस्कस आप देख सकते हैं, इस पर तो हर रोज़ ही बहुत ज़्यादा जो है भर भर के फ्लावरिंग जो है मेरे गार्डन में होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, और इसके फ्लावर का कलर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर है। और यहाँ पर मैंने कटिंग से रेडी किए थे ये रेड वाले हिबिस्कस। ये देखिए ये दो प्लांट एक ही जो है पॉट में लगे हुए हैं और कलियाँ देखिए इस पर बन रही हैं। और ये वाला प्लांट कलियों से भरा ही रहता है मेरा, और हर रोज़ 5-6 फूल जो है, कभी कभी 8-10 फूल भी जो है देखने को मुझे मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक और दूसरा मैरीगोल्ड है। पिछली बार ये मैंने एक टब में लगाए थे, काफ़ी सारे प्लांट थे उसमें और काफ़ी भर भर के फ्लावरिंग जो है। इस बार मैंने ग्रो नहीं किए, ये खुद ब खुद ही ग्रो हो गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे ये अफ्रीकन हिबिस्कस तो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट मेरे हो गए हैं। इनकी हाइट इतनी हो गई है कि हाथ भी नहीं जा रहा है, कैमरा भी मुझे जो है ऊपर ले जाना पड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल चोटी पे जो है फ्लावर्स खिल रहे हैं, बर्ड्स काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं इन पर। और प्लांट्स की हाइट इतनी ज़्यादा हो गई है, देखिए मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ, आप उससे अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं। ये देखिए जी मुझे जो है इस पे फ्लावर देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे, 10-10, 20-20 फ्लावर जो है रोज़ खिलते हैं। और इनको भी मैंने जो है सीड से ग्रो नहीं किया है, खुद ब खुद जो है ये ग्रो हो गए हैं। और आप देखिए मुझे कितनी प्यारी फ्लावरिंग जो है इन पे रोज़ देखने को मिलती है, बड़े बड़े फ्लावर हैं, मन खुश हो जाता है। आप देख सकते हैं ये मेरा जो है एक्सोरा प्लांट, मैंने आपके साथ फर्टिलाइज़र भी शेयर किया था। और देखिए कितनी प्यारी जो है इस पर फ्लावरिंग जो है हो रही है, और कलियाँ भी जो हैं बन रही हैं हर एक ब्रांच पर, बहुत प्यारे जो है फ्लावर है। फ्रेंड्स आप वो फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये तो क्या कहने, गेंदे तो इस बार मुझे लगता है काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो है होगी इन पर। हर एक ब्रांच पर जो है बहुत सारी जो है कलियाँ बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप, पूरा प्लांट जो है कलियों से ही भरा हुआ है।